विपक्ष नेता शहजाद खान पठाड़ तेमज अन्य कांग्रेसी आगेवानो त्यां पहोंच्या हता अने विरोध व्यक्त कर्यो हतो। रख्यालमां बदली मस्जिद ने तोड़ता विभाग अहीं खास करीने बनाववामां आव्यो छे अने नोंधे छे कि रख्याल विस्तारमां अन्य घणा एवा एकमो छे के जे गैरकायदेसर छे, छतां तेने तोड़वामां तंत्र निष्फळ रह्यु छे। तेमज कोई पण म्युनिसिपल कमिश्नर त्यां आगळ जईने गैरकायदेसर मकान तोड़ता नथी तेवा विपक्ष नेता शहजाद खान पठाण द्वारा आक्षेप करवामां आव्या। आगामी दिवसों में जे जे जग्याए गैरकायदेसर मकानों छे, जे मोटा उद्योगपतिओना छे, तेनुं लिस्ट पण म्युनिसिपल कमिश्नर ने सोंपवामां आवशे अने आगामी दिवसों में उग्र विरोध पण करवामां आवशे। बापूनगर विस्तार में रखियाल में मदनी मस्जिद, जिसकी मालिकी का प्लॉट खुद के ट्रस्ट का था, उस मस्जिद को अवैध नाम से, अवैध बांधकाम के नाम से तोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में कितने उद्योगपति ऐसे हैं जिनके इनलीगल बांधकाम है, जिनकी ऑफिसें इनलीगल बनी गई है। अभी राजकोट अग्निकांड के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अचानक अपनी नींद से जागा और नींद से जागने के बाद उन्हें याद आया कि हमें बिल्डिंग की बीओ और एनओसी चेक करनी है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हज़ारों की तादाद में ऐसी बिल्डिंग और फायर एनओसी बिना जो बिल्डिंग चल रही थी, वहां पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जेसीबी नहीं चलता। गेम जोन जहां पर राजकोट जैसा अग्निकांड ना हो जाए, जहाँ पर बच्चों की मृत्यु ना हो जाए, वहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जेसीबी नहीं चलता। लेकिन एक ट्रस्ट का प्राइवेट प्लॉट जहाँ पर मस्जिद बनी गई है, जिनको थोड़ा समय दिया जाता तो उस बांध काम को लीगलाइज भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी छाती तान कर आकर मस्जिद को तोड़ने का कार्य सुबह से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि खुद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी जोन में यदि सबसे ज़्यादा इनलीगल बांधकाम चलते हो तो इसी जोन में चलते हो। 32 ऐसे बिल्डिंग है जो अवैध बनी गई है, जिनके ऊपर जेसीबी नहीं चल रहा है, उसकी लिस्ट भी डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर को दी जाएगी। R3 जोन अहमदाबाद शहर का ऐसा विस्तार जहां पर एक ईंट भी बिना परमिशन के नहीं रखी जा सकती, वहां पर उद्योगपतियों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए हैं, वहां पर उद्योगपतियों के बड़े बड़े बंगले बनाए गए हैं। एक भी IAS की ताकत नहीं है कि वहाँ JCB ले जाकर वहाँ पर उनका मकान तोड़ के बताए। लेकिन एक मस्जिद को शहीद करने का कार्य जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी करते हो तो वो ये भूल जाए। कांग्रेस पार्टी उन्हें भी एक लंबा लिस्ट देगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर का लिस्ट देगी, उसे भी जैसे इस मस्जिद को उन्होंने तोड़ा है उनके घर भी ऐसे तोड़े जाए, ये हमारी मांग रहे। धार्मिक भावना ही तो बात छोड़ो, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चलता हो तो एस्टेट डिपार्टमेंट में चलता हो। पूर्व जोन की मैं बात करूँ तो उनके आसपास जैसे आपने बताया कैसे कई अवैध बांधकाम है जो जिसकी परमिशन कभी नहीं दी गई है, सिर्फ वहीवट के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर अधिकारियों ने पैसे लेकर इन उद्योगपतियों की बिल्डिंगों को तोड़ा नहीं गया है। ये बताता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब एक अधिकारी, इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जिसकी सैलरी हजारों रुपए में हो, जब ACB उसे पकड़े तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जिसकी बताई जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एस्टेट डिपार्टमेंट में किस लेवल पर भ्रष्टाचार चलता होगा। सरकारी अनाज विक्रेताओं द्वारा गरीब लोगों ने पूरतु अनाज आपवामां आवतुं नथी, गरीबों फरियाद करवा जाए तो अनाज बंद करी देवानी धमकी अपाय छे।